नमस्कार, मैं मुन्ना आपका कुक विद मुन्ना चैनल बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम ब्रेड क्रम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ब्रेड क्रम का यूज हम किसी भी स्नैक को क्रिस्पी करने के लिए करते हैं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार ही देख रहे होंगे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। चलो तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड क्रम बनाने के लिए मैंने इधर 4 ब्रेड लिए हैं। आप कौन से भी ब्रांड का इधर ब्रेड ले सकते हैं। अभी मैंने एक नॉनस्टिक के तवे को हाई फ्लेम पर रख दिया है। आप इधर लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा हमारा अच्छे से सेक गया है। अभी इस पे हम ब्रेड रख देंगे। हमें ब्रेड दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ड्राई रोस्ट कर लेने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इधर कौन से भी ऑयल या घी का इस्तेमाल इन्हें रोस्ट करने के लिए नहीं किया है। हमें इसे इसे भून लेना है। 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम चिमटे के सहायता से ब्लेड को पलट देंगे। वाव, ये देखिए, एक साइड से अच्छे से हमारा ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरीके से हम नीचे वाला भाग भी 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अभी हम सभी ब्रेड को एक प्लेट में रिमूव कर देते हैं। मैंने सभी ब्रेड को एक प्लेट में निकाल दिया है। अभी हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने इधर चाकू का इस्तेमाल किया है, आप सीजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाव, देखिए कितने क्रिस्पी हमारे ब्रेड बने हैं। आप चाहे तो छोटे बड़े जिस भी आकार में आप पीसेस कट कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं सभी ब्रेड के पीसेस कर लूँगा। ये देखिए, मैंने सभी ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। अभी इसे हम मिक्सर में ग्रेट कर लेंगे। मैं इधर पीसेस को ग्रेट करने के लिए मिक्सर जार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास चॉपर होगा तो वेल एंड गुड, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। अभी मैं सभी पीसेस को मिक्सर जार में डाल दूंगा। अभी हम इसका मिक्सर में एकदम फाइन ऐसा पाउडर तैयार कर लेंगे। यह देखिए, अपना ब्रेड क्रम रेडी हो गया है। सो हमारा ब्रेड क्रम रेडी हो गया है। तो कैसे लगे आपको ये रेसिपी, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।